पेशेंट अली अहमद साहब फैसलाबाद से, लिवर कैंसर के, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं और डायबिटिक भी हैं। ये 1 माह पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो इनका एल्फा फीटो प्रोटीन 2701 था। पीनम कैंसर हॉस्पिटल का ये टेस्ट है। दोबारा इनका टेस्ट हुआ है 1 माह के बाद, तो 655, 1 माह में तकरीबन 2000 से ये कम हो गया। ये चुगताई लैब का टेस्ट है, पिवका 2 का, 1 माह पहले 2562 था ये, अब 1352 1 माह के ट्रीटमेंट के बाद। 1 माह पहले LFTs ALT 96 और AST 82, 1 माह की ट्रीटमेंट के बाद इनका ALT है 17 और AST 46। वैसे भी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है, और जो प्रॉब्लम थे अक्सर पेन और पेन था, पेट में पानी था, बुखार, स्वेलिंग, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल, ये सारे प्रॉब्लम भी बेहतर हो गए। तबीयत ठीक है पहले नालों? हाँ जी, पहले से सेहत भी माशाल्लाह अच्छी है, नमाज पढ़ने शुरू कर दी, ओवरऑल इनकी कंडीशन बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी लुक जो है ना वो भी बहुत बेहतर है। पहले जब आए थे तो बहुत बीमार थे और बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अब उससे भी बहुत बेहतर है माशाल्लाह। पहले इनको थोड़ा सा अगर ख़ारिश करते थे उसी वक्त वहाँ पर निशान पड़ जाते थे, नीले निशान, लेकिन उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो, ट्यूमर मार्कर्स में बहुत बेहतरी आई, LFTs बेहतर हो गए, ब्लड प्रेशर में, ओवरऑल इनकी कंप्लेंट्स में, सिम्टम्स में बहुत बेहतरी है, ताकत में बेहतरी है माशाल्लाह। आमतौर पर लोगों का ये जहन होता है कि भाई जब ये मेटास्टेसिस हो जाए या प्रोग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं जैसे पिव का लेवल है ये बहुत ख़राब हो जाए, आमतौर पर डॉक्टर्स जो है ना वो कह देते हैं कि भाई इनका कोई हल नहीं, प्रोग्नोसिस के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीने की ट्रीटमेंट से ही ना सिर्फ पिव का लेवल 2 में कमी आ गई, एल्फा फीटो प्रोटीन बेहतर हो गए, बल्कि LFTs जो है वो नॉर्मल रेंज में आ गए। और यह पेशेंट कहता है कि मैंने रेडिएशंस, ऑपरेशंस और कीमोथेरेपी नहीं लगवानी। ऐसी सूरत हाल में जब पेशेंट मुझसे कंसल्ट करते हैं तो मैं अपनी हर्ब ओरिएंटेड नेचुरल मेडिसिन देता हूं, जिससे ना सिर्फ पेशेंट के ट्यूमर मार्कर टेस्ट में बेहतरी आ जाती है बल्कि कंडीशन भी बेहतर हो जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाती है, उसके लिवर और किडनी फंक्शंस भी बेहतर हो जाते हैं, और हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस और एक्सपेंसिव मेडिसिन से भी बच जाते हैं, और ऐसे पेशेंट को घर बैठे ही मैनेज किया जा सकता है। अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है तो आप उसको पाकपतन भी ला सकते हैं, ऑनलाइन भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन ये मेडिसिन हमसे परचेज भी कर सकते हैं।